मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है बड़ी पुरानी। हाँ, अस्थमा के लिए प्राणायाम एक अद्भुत और अचूक औषधि है। प्राणायाम आपको हर रोज करना। अभी आप प्राणायाम करते हो नहीं करते हो? मैं आपसे यही पूछ रही थी जी, मेरे को मतलब मैं कैसे शुरू कैसे करूं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल है। आप शरीर से ज्यादा मोटे हैं कि ठीक ठाक हैं? 45 किलो है वजन है मेरा, 45। ओहो, बहुत कम है। तो बहन मेरी बात को सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आप पांच धीरे धीरे, क्योंकि जैसे आपको आवाज से भी पता चल रहा है कि आपको काफी कष्ट है श्वास लेने में, तो धीरे धीरे आपको प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे आप ज्यादा उसे ना कर पाए, लंबा श्वास लें, लंबा सांस छोड़ें, जितना आप लंबा ले सकते हैं तो लें, छोड़ें। फिर कपाल भांति, जैसे आराम आराम से जितना आप कर सकती हो, जोर जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे। तो 5 मिनट लगभग प्रयास करिए कपाल भस्त्रिका करने का, 10 मिनट कपाल भांति, फिर ये अनुलोम विलोम कम से कम 15-20 मिनट। यदि इतना आप धीरे धीरे अभ्यास शुरू कर दीजिए और प्राणायाम करते समय भी श्वास फूले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो पतंजलि का इनहेलर है जो नाक में इनहेल करने के लिए आप उसको यूज कर सकती हैं, नहीं तो पतंजलि का बाम है या पतंजलि का दिव्य धारा, तीनों चीजों में से कोई भी लेकर के आप एक रूमाल में या उसमें टिश्यू पेपर में लगा करके रख लीजिए। जब आप श्वास लेने में परेशानी हो तो बीच बीच में उसको सूंघ लें और धीरे धीरे आप प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम करते करते श्वास लेने में आपको थोड़ी सी सुविधा होने लगेगी। ये तो आपको डेली करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम कर लीजिए। पानी, उबला हुआ पानी ही पीना है आपको, गर्म पानी ही पीना है, और कब्ज न रहे इसका ध्यान रखना है। और औषधि के रूप में जो हमारा श्वासारी काढ़ा है, उस काढ़े को आपको लेना है। इसके अतिरिक्त एक बार आप वैद्य को थोड़ा दिखा करके कुछ और औषधियां वो देंगे, हालांकि दवाई होती है श्वासारी रस, जैसे मान लीजिए अभ्रक भस्म है, गोदंती भस्म है। बहन एक बार आप पतंजलि चिकित्सालय में दिखा दीजिए, जितना उपाय मैंने बोला है उसको शुरू कर दीजिए, आपको पक्का आराम हो जाएगा। We'll be right back.